गुड इवनिंग श्रोताओं, रेडियो उड़ान सुनने वाले तमाम दोस्तों को रिद्धि का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सबका किचन एक्सप्रेस में। मैं रिद्धि आपके साथ पूरा एक घंटा रहूंगी और हम सफर बनकर ये एक्सप्रेस को आगे लेते चले जाएंगे। यहाँ पर होंगी खूब सारी बातें और रेसिपीज तो हैं ही। वैसे दोस्तों, आप देखा जाए तो आप सबके एग्जाम्स बिल्कुल ही खत्म हो चुके होंगे और अच्छे भी रहे होंगे, इसलिए अब हम सब एक ही मूड में होते हैं। कौन से? अरे भाई, छुट्टियां मनाने के मूड में। और जब छुट्टियां की बात आती है तो एक और चीजें भी दिमाग में झटपट से झपक जाती है। वो क्या होता है? टूर पर जाना, पिकनिक मनाना, दोस्तों के साथ मस्ती मजे, कभी कभी फैमिली के साथ भी और कभी कभी खुद अकेले ही चलो निकल पड़ो। इन सब का प्लानिंग तो बिल्कुल ही हो चुका होगा कि आपको छुट्टियों में क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे दिन बिताने हैं, सब कुछ आपने पहले से ही सोच के रखा होगा। लेकिन अगर आप पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो क्या खाएंगे, इसके विषय में सोचा है? थोड़ा बहुत खीसा पीटा तो जरूर सोचा होगा कि सैंडविचेस ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, ऐसी बातें तो जरूर सोची होंगी। जैसे कि जो लोग खुद बनाना नहीं चाहते वो कहते होंगे कि हम तो पोटैटो चिप्स ले जाएंगे या कुरकुरे ले जाएंगे। अरे भाई, ऐसा नहीं है। ये सब घिसी पिटी बातों को छोड़ो और बिल्कुल फ्रेश मजेदार कुछ अलग सा खाओ और मजे करो, दोस्तों को भी सरप्राइज करो। ये भी एक अलग ही अंदाज होता है कि अपने दोस्तों को भी अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ और सरप्राइज कर दो। अब आपके लिए भले ही ज्यादा ऑप्शंस ना हो कि क्या बनाया जाए, मैं आ गई हूँ तो आपको ये ऑप्शंस सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं ही आपको बता ही देती हूँ कि हम आज के अपने प्रोग्राम में यही डिस्कस करेंगे कि पिकनिक पर कैसी कैसी चीजें ले जानी चाहिए और कैसा खाना ले जाना चाहिए। इसके अलावा हम मजेदार चीजें भी बनाएंगे, यानी कि मजेदार रेसिपीज भी बनाएंगे आपके लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चिल्ड्रन से। जब चिल्ड्रन पिकनिक पर जाते हैं तो अक्सर यही अपेक्षा रखते हैं अपने पेरेंट्स से कि जब भी वो अपना डिब्बा खोले, यानी कि उनका जब लंच बॉक्स खुले, तो उसके अंदर से ऐसा कुछ निकले कि वो अपने जो छोटे छोटे बच्चे बच्चे फ्रेंड्स होते हैं उनको कह पाए, देख मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या अलग है। क्योंकि उन लोगों को जब सबसे अट्रैक्टिव चीज मिलती है ना, तब खाने का मजा कुछ और ही आता है। इसलिए मम्मी के लिए सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि उनकी लाडली या लाडले को ऐसा क्या दें कि वो पूरा का पूरा खा भी जाए, न्यूट्रिशंस भी मिल जाए, अट्रैक्टिव भी रहे और फिर भी हेल्दी हो और बच्चा खुश खुश रहे। तो अब आपको इन सारी बातों को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको आज बता देती हूँ कि बच्चों को कैसे कैसे क्या क्या देना है और कैसे उनको सरप्राइज कर देना है। वैसे आपको एक बात याद रखनी चाहिए, यहाँ पर जब बच्चों के विषय में बात हो रही है तो बच्चों के लिए हमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स चूज करने चाहिए जो उनको टेस्टी लगते हो लेकिन हेल्दी हो।
जैसे कि बच्चों को वेजिटेबल्स खाने अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर कैप्सिकम दे दिया तो कैप्सिकम के 3 कलर्स होते हैं और ये तीनों कलर्स को इस प्रकार से कुक किए जाएं कि बच्चों को लगे कि ये पता नहीं क्या चीज बनी हुई है और टेस्ट भी अलग सा लगे, कलर तो है ही। फिर इस प्रकार नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया कीजिए और बच्चों को कुछ अच्छा सा कुक करके दिया कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चों के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास ज्यादा हेल्दी चीजों का ऑप्शंस नहीं रहता, तब क्या करना चाहिए कि भले ही आप उनको चीज है, पनीर है, इस प्रकार की डेयरी प्रोडक्ट्स को सर्व करें, लेकिन बीच में एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स रख दीजिए कि बच्चा खुशी खुशी से खाए, उसको पता भी ना चले कि अंदर एक हेल्दी इंग्रेडिएंट भी आ गया। इस बहाने न्यूट्रिशंस भी मिल जाएंगे और बच्चा खा भी लेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान पर मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। क्या आप रूबरू होना चाहते हैं फिल्म जगत की लेटेस्ट खबरों से? जानना चाहते हैं किसका हो रहा है ब्रेकअप या फिर किसने किसको किया है जेकअप? कौन सी मूवी है इस हफ्ते की ब्लॉकबस्टर या किसकी जेब को लग रहा है चूना? इन सभी खबरों के लिए बी विद मी एवरी सैटरडे 7 to 8 PM एंड री वेबकास्ट एवरी संडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate, it's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Door. Every Saturday from 10 PM to 11 PM only and only on Radio Udaan. आइए अब और इंतजार न करवाते हुए हम बढ़ते हैं अपनी पहली ऐसी ही एक रेसिपी की ओर। सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट मफिन्स। बच्चों को मफिन्स बहुत पसंद होते हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, ये सब तो उनको खूब पसंद होती हैं और वैसे देखा जाए तो किनको पसंद नहीं होती। लेकिन केक में एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो ऊपर क्रीम होता है वो बहुत होता है और जिसके कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में शुगर खा लेते हैं बच्चे, ये एक गलत बात है। तो आज हम इस प्रकार का मफिन बनाएंगे कि शुगर तो नॉर्मल जितनी होनी चाहिए उतनी ही हो, लेकिन अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट रख देना है कि जो हेल्दी हो और बच्चा खुशी खुशी से खा ले। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि चॉकलेट मफिन्स बनाने के लिए हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। चॉकलेट मफिन्स बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, शुगर 3/4 कप, कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, खजूर 5 पीसेस, यानी कि तकरीबन 2 to 2.5 टीस्पून, गेहूं का आटा 1/4 टी कप। हो गए सारे इंग्रेडिएंट्स, अब देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैदा, व्हीट फ्लोर, कोको पाउडर, सॉल्ट, शुगर,
ये सब को मिक्स कर देना है और अच्छे से छलनी से छान लेना है। ये प्रोसेस तकरीबन 3 से 4 बार करनी है। याद रहे कि जब मफिन बनाते हैं तब ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी होती है। अगर आप इसको बार बार छानते हैं तो मफिन जो बिल्कुल अच्छे से केक की तरह बन जाता है वो प्रोसेस बनने में आसानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मफिन बिल्कुल जब फूलता है वो प्रोसेस नहीं होगी, यानी कि वो आपने जितना कप में पैक करके भरा है इतना ही होगा। वो अपने आप थोड़ा सा हल्का सा फुलके जो बलून टाइप होना चाहिए इस प्रकार नहीं होगा। तो ये प्रोसेस करने के लिए इसको 3 से 4 बार अच्छे से छान लेना जरूरी है। 3 से 4 बार अच्छे से छान लेने के बाद अब हम इसमें खजूर ऐड करेंगे। खजूर या तो आप बॉईल करके ले सकते हैं या फिर विदाउट बॉइलिंग भी चलेगा, आप वैसे भी इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो फ्लोर हमने रेडी किया है उसका बैटर तो बनाना पड़ेगा ना, तो बैटर बनाने के लिए हम मिल्क लेंगे। तो मिल्क हमें तकरीबन लेना है 1.5 टी कप। यहाँ जब हम मफिन बनाते हैं तो एक बात और भी जरूरी है कि जो इसका मेजरमेंट है हमें इसे फॉलो करना है, क्योंकि अगर मेजरमेंट में कोई भी गड़बड़ हो गई तो मफिन भी इधर उधर हो सकता है। तो ये बात ना हो इसलिए मेजरमेंट को अच्छे से फॉलो करें। जो टी कप का इस्तेमाल आपने मैदा लेने के लिए किया उसी टी कप का इस्तेमाल मिल्क और व्हीट फ्लोर दोनों को लेने के लिए कीजिए। ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसलिए अगर जरूरत पड़े तो और भी थोड़ा मिल्क ले सकते हैं। अच्छे से ऐड कर लेना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे और ये कोई भी रिफाइनरी ऑयल होना चाहिए जिसकी स्मेल ना हो, यानी कि जिसकी अरोमा बिल्कुल ही ना हो, इस प्रकार का ऑयल होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जब मफिन्स बनेंगे तो इसमें ऑयल की जो अरोमा है वो आएगी तो टेस्ट में पसंद नहीं करेंगे बच्चे इसको, इसलिए बिल्कुल बिना अरोमा का ऑयल ही पसंद करना है। चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि घी की जो अरोमा है वो ऑयल की तरह नहीं होती, वो बच्चे पसंद कर लेते हैं। और जब मिल्क के साथ मिक्स हो जाता है तो इसकी अरोमा की बहुत सारी चिंता भी नहीं रहती। वैसे भी देखा जाए तो घी और खजूर भी खाए जाते हैं, राइट? आप अच्छे से घी को भी ऐड कर लिया और खजूर के बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर देने हैं। चाहे तो आप इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से ऐड कर लेना है। बैटर तैयार है, अब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे। इसके लिए टी कप में ही हम ये मफिन्स को सेट करेंगे ताकि जो उसका शेप है वो भी मेंटेन रहे। यहाँ पर एक बात और याद रहे कि जो टी कप आप लेंगे उसको पूरा का पूरा नहीं भर देना है, बस 3/4 ही भरना है, क्योंकि जब मफिन बन जाएगा तो वो पूरा एक कप जितना ही बड़ा हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा ये प्रोसेस। टी कप को पहले अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ऑयल या घी की मदद ले सकते हैं। अगेन वही बात कि ऑयल लेंगे तो बिना किसी भी प्रकार की अरोमा का लेना है, यानी कि रिफाइनरी ऑयल लेना है। इसको डस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस इसको भर दीजिए और इस प्रकार आप एक ट्रे में तकरीबन 6 जितने कप्स रख सकते हैं, जो मफिन के लिए ट्रे होती है उसकी बात हो रही है। और इसको अब माइक्रोवेव करने के लिए
5 मिनट तक पहले रखिए 180 डिग्री पर। फिर से एक बार निकाल के देख लीजिए और एक बार 7 मिनट के लिए रख दीजिए। उतने ही टेम्परेचर पर रखना है, एक बार फिर से चेक कर लेना है और लास्ट में 10 मिनट के लिए रखना है। और अब मफिन्स हो गए तैयार। अब सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए गार्निशिंग के लिए ऊपर चॉको चिप्स रखेंगे। मफिन्स है मजेदार तैयार और गार्निश भी हो गए हैं। आप देखिए बच्चे कैसे इसको एंजॉय करते हैं। हमारा पर्पस सर्व हो गया ना। बच्चों को मफिन्स बहुत पसंद होते हैं, तो वैसे ही मफिन्स सर्व करने के बजाय हमने हेल्दी इंग्रेडिएंट डाल दिया खजूर को। और यहाँ पर शुगर का भी कम इस्तेमाल किया, क्योंकि खजूर की भी अपनी एक स्वीटनेस होती है जो शुगर के साथ मेंटेन हो जाती है। तो यहाँ पर शुगर भी बैलेंस हो गई। इसके अलावा कोको पाउडर को भी हमने ऐड किया जो हेल्दी होता है, यानी कि कोको एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको हेल्दी माना जाता है, क्योंकि डार्क चॉकलेट्स भी आप देखिए जिसमें कोको का ही इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है उसका, तो हमने उसका भी इस्तेमाल किया। बिना किसी चॉकलेट सिरप के हमने इसको बनाया। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि अकेला मैदा की वजह हमने थोड़ा सा व्हीट फ्लोर भी ऐड किया, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। जब आप बच्चों को चॉकलेट मफिन्स सर्व करेंगे और लंच बॉक्स में पैक करके देंगे, यकीन मानिए वो कभी भी वापस नहीं लाएंगे। और आपको एक बार नहीं 100-100 बार सुनना पड़ेगा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udaan, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं और खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं। मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू कर जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि No cane, no game। अरे एक बार कोशिश करके तो देखिए।
आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ विद मी रिति इन किचन एक्सप्रेस. स्टे ट्यून्ड इन फॉर मोर मजेदार टेस्टी टेस्टी रेसिपीज. किड्स के लिए हमने एक मजेदार मफिन्स तो बना लिए, लेकिन कुछ चटपटा सा भी हो जाए बिल्कुल होना चाहिए. आइए फिर अब हम बनाते हैं कुछ चटपटा सा किड्स के लिए. हमारी ये रेसिपी का नाम है चीज बॉल्स विद पालक राइस. आप जानते हैं कि इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है. चीज बॉल्स विद पालक राइस बनाने के लिए हमें चाहिए चीज 2 क्यूब्स, पोटैटोस 5 पीसेस, यानी कि मैश करने पर कम से कम 2 कप जितना मावा बनना चाहिए आलू का, पालक बारीक कटी हुई 1 कप, राइस 1 कप, अदरक 1 टुकड़ा, हरा मिर्च 2 पीसेस और अन्य रूटीन मसाले. कम से कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये रेसिपी न सिर्फ हेल्दी है बल्कि टेस्टी भी है. आइए अब जानते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं. सबसे पहले हम बनाएंगे चीज बॉल्स. चीज बॉल्स बनाने के लिए हम पोटैटोस को सबसे पहले बॉईल कर लेंगे. बॉईल करते वक्त हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर लेंगे. अब बॉईल हो जाने के बाद हम पोटैटोस को अच्छे से मैश कर लेंगे और इसमें मरी पाउडर ऐड कर लेंगे, जस्ट हाफ टीस्पून जितना ही. अच्छे से मिक्स कर लेना है. यहाँ पर हम रेड चिली इसलिए ऐड नहीं करते ताकि उसका कलर चेंज ना हो जाए, पोटैटो का जो व्हाइट कलर है वो मेंटेन रहे. अब हम चीज मेल्ट करेंगे. अब पोटैटो के हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और मेल्टेड चीज है उसमें डीप करके हम डीप फ्राई करेंगे. उसके लिए गैस ऑन करेंगे. अब पैन में ऑयल लेंगे, डीप फ्राई करना है इसलिए ज्यादा ऑयल लेना है और ये बॉल्स को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे. लेकिन हाँ, याद रहे सारे बॉल्स को चीज में डिप करने के बाद ही बॉईल करना है, यानी कि फ्राई करना है, डिप फ्राई करना है. अच्छे से फ्राई हो जाए इसके बाद एक प्लेट में निकाल के इसको रख देना है. इतना ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा जब कलर चेंज होने लगे तब तक ही इसको फ्राई करना है, इससे ज्यादा फ्राई नहीं करना है. अब हम राइस बनाने की प्रोसेस की शुरुआत करेंगे. सबसे पहले हम राइस को भी बॉईल कर लेंगे बिल्कुल आलू की तरह. जब बॉईल करेंगे तब हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर ही देंगे. अब हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे. जैसे ही राइस कुक हो जाते हैं उसमें चुटकी भर हल्दी ऐड कर लेनी है और स्पूनफुल रेड चिली भी ऐड कर लेनी है. क्योंकि हमने पोटैटो में भी चिली नहीं ऐड की थी तो थोड़ी सी ज्यादा चिली यहाँ पर ऐड कर लेंगे. राइस तैयार है. अब हम दोनों को असेंबल करने की प्रोसेस कर लेंगे और इसके लिए हमें एक ग्रेवी प्रिपेयर करनी है, तो अब हम इसकी तैयारी करेंगे. ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए पैन में हम 2 टीस्पून जितना ऑयल लेंगे. अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे जस्ट चुटकी भर, हल्दी ऐड करेंगे चुटकी भर, रेड चिली ऐड करनी है बस चुटकी भर क्योंकि राइस में हमने ऑलरेडी ज्यादा डाल दी है, जीरा ऐड कर लेंगे
तकरीबन 2 टीस्पून, सॉरी 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून। बस उसमें क्या करना है कि लहसुन को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, तो पेस्ट है तैयार, यही पेस्ट को ऐड कर लेना है। अब हम ऐड करेंगे अदरक, इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद ही ऐड करना है, पूरा टुकड़ा नहीं डालना, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीजें पसंद नहीं आती जो मुंह में डायरेक्टली आती है और ज्यादा ज्यादा इसको चबाना पड़े, तो फिर उनको वो तीखा तीखा टेस्ट महसूस होगा, ये उनको पसंद नहीं होता है। अब हम ग्रीन चिली है जिसको बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में चॉप कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें पालक ऐड कर लेंगे जिसको बिल्कुल हमने बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि ग्रेवी है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, इस तरह प्रिपेयर हो और पालक को भी कुक होने का मौका मिले, और थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। बस 3 से 4 मिनट में कुक हो जाएगी पालक, क्योंकि मसाले तो पहले से ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो सिर्फ पालक को ही कुक होना है। यहाँ पर पालक की ग्रेवी कुक होके तैयार है, आप करेंगे असेंबल। सबसे पहले पालक की ये ग्रेवी को जो कुक्ड राइस है इसमें पोर करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब सर्व करेंगे। तो जब लंच बॉक्स में पैक करते हैं तब सबसे पहले ये ग्रेवी वाले राइस ऐड कर लेंगे, और ऊपर जो हमने पोटैटो चीज बॉल्स तैयार किए थे उसको ऐड कर लेंगे गार्निशिंग के तौर पर, ताकि खूब पसंद आए बच्चों को। देखिए कलर्स भी कितने अच्छे सूट कर रहे हैं, बिल्कुल ही जो पोटैटो चीज बॉल है उनका कलर भी अलग और जो कुक्ड राइस है उनका कलर भी अलग। यहाँ पर हमने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के तौर पर लिया था पालक, और आप चाहें तो कोई और भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, जैसे कि कैबेज है, बीट है यानी कि बीट रूट, और कैरेट है, इन सब को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन राइस के अंदर इसको छिपा देना है ताकि बच्चों को नजर न आए और खा ले। और पता है बच्चों को ना चीज बॉल्स बहुत पसंद होते हैं। कभी कभी तो क्या होता है जब मम्मी घर में चीज बॉल बनाती है ना, तब ही आदत खत्म ही हो जाते हैं। चीज बॉल्स, ओ ये सुन के तो मेरे मुंह में भी खूब सारा पानी आने लगा, और ये चलो मैं तो सबसे पहले चीज बॉल्स ही खाती जाऊंगी। अरे मैं चीज बॉल खा रही हूँ, देखिए फिर आप कहीं जाइएगा मत, मैंने अभी अभी खत्म कर लिए। आप सुनते रहे रेडियो उड़ान, अप लाइट ऑफ लाइफ विद मी रिद्धि इन किचन एक्सप्रेस। अरे मैं क्या बताऊँ, लाजवाब होते हैं ये चीज बॉल्स। जब आप भी बच्चों के लिए प्रिपेयर करेंगे ना तो आपके मुंह में भी पानी आने लगेगा। वैसे एक बात आपको ये भी बता दूं कि जो मैंने रेसिपी बताई ना चीज बॉल्स विद पालक राइस, ये रेसिपी आप यंगस्टर्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और एडवांटेज रहेगा कि जब आप उनको ये रेसिपी देते हैं तो सारी चीजें अलग अलग दे, यानी कि पालक ग्रेवी अलग, राइस अलग और चीज बॉल्स अलग, क्योंकि जब वो वहाँ पर जाके असेंबल करके खाएंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन बच्चों को ये सब एक झंझट जैसा लगा है, सब असेंबल करना और खाना, और वैसे भी उन सबको ये सारी माथा पच्ची में पढ़ना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए उनके लिए तो सब असेंबल करके ही दे, वही अच्छा है। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह
पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर जिसका नाम है रेडियो उड़ान। मैं आनंद आटलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का माननीय सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 02266838637। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। लेकिन यंगस्टर्स तो ये सब कुछ करने में माहिर है माहिर। आप जब पिकनिक की ही बात निकली है तो यहाँ पर एक बात बता दी जाए कि जब आप पिकनिक में जाते हैं और कुछ खाना बचा कुचा रह गया तो उसको घर कभी भी वापस ना लाएं, क्योंकि दो चीजें होती हैं। पहला तो ये कि वो खाने लायक रहती नहीं, इतनी गर्मी में बासी खाना भला कौन खाएगा, वो तो हेल्थ के लिए बिल्कुल नुकसान करेगा। दूसरी बात ये है कि आप जब पूरा दिन बिताने के बाद घर आते हैं तो वो खाने में एक टिपिकल गंदी स्मेल आती है ना, एक बदबू सी आती है, तो वो भी बिल्कुल बेकार है, किसी के खाने लायक ना रहे और ऊपर से बदबू भी आए। इसका कारण ये होता है कि खूब सारे बैक्टीरियाज वहाँ पर जमा हो जाते हैं, तो आपकी बैग भी कभी कभी खराब हो सकती है, क्योंकि जब मम्मी ने आपको पैक करके दिया हुआ होता है तो अच्छे से पैक किया हुआ होता है, फिर आप अच्छे से पैक कर पाए या ना भी कर पाए तो अच्छा ऑप्शन यही है कि इसको वापस ना लाएं। हो सके तो आसपास कोई जानवर मिले तो खिला दीजिए, नहीं तो आप डस्टबिन को ही दे दें।
लेकिन पूरी कोशिश तो यही करे कि खुद ही खा जाए या फिर दोस्तों को खिला दे, बचा कुचा रहे ही नहीं। फिर भी अगर रह जाता है तो यही ऑप्शन है आपके लिए, आप पिकनिक से वही खाना वापस लाए जो ड्राई फूड की तरह आप ले गए हैं, ड्राई स्नैक्स की तरह अगर आपने इसको पैक किया है, जैसे कि पोटैटो चिप्स हो गए या मिक्सचर हो गया, ड्राई मिक्सचर, इस प्रकार की कुछ चीजें अगर ले जाते हैं, मूंगफली है, तो आप जरूर वापस ला सकते हैं क्योंकि वो खराब नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी ले जाते हैं जो कुक्ड है तो उसको वापस ना ही लाए। और ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ बच्चे ही पिकनिक पर जाते हैं, क्या हम यंगस्टर्स नहीं जाते, हम कॉलेजियंस नहीं जाते, हम टीनेजर्स नहीं जाते, हमारे लिए क्या? अरे आप ऐसे ऐसे कंप्लेन करके मुंह ना लटका के खड़े रहो भाई, अब आपके लिए भी कुछ ना कुछ बनने वाला है। हमारा किचन ऐसा भी नहीं है कि आपको छोड़ दे, यंगस्टर्स के बिना तो किचन चलेगा कैसे। यंगस्टर्स को भी पिकनिक जाना खूब पसंद होता है और उनके लिए जब हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो ये बात याद रखनी चाहिए कि उनको चटपटी सी चीजें खूब पसंद होती हैं और कुछ इनोवेटिव आइडिया से बनाया हुआ होता है वो उनको ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो दिखने में ही इनोवेटिव लगता है ना, तो उनको भी एक ऐसा खाने का जो रोमांच आना चाहिए वो इस प्रकार के फीलिंग्स आ जाती है और खा लेते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर करने से वो हिचकिचाते नहीं है। यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी है कि आप उनको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं कि वो खुद असेंबल कर ले, इससे एक फायदा ये भी है कि वो अलग अलग तरीके से भी असेंबल कर सकते हैं, उनको जिस तरह का पसंद हो इस तरह वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे और खुद भी कह सकते हैं, देखो भाई मैंने अभी अभी कुछ नया नया सा बनाया, खाना है क्या मेरे साथ, खाना है तो आ जाओ भाई। आइए फिर यंगस्टर्स की तो खूब बातें कर ली, अब यंगस्टर्स के लिए कुछ बनाया भी जाए। जी हाँ क्यों नहीं, अब बनेगा कुछ यही किचन एक्सप्रेस में यंगस्टर्स के लिए। यंगस्टर्स के लिए हम बनाएंगे कॉर्न पाइनएप्पल बारबेक्यू। आजकल बारबेक्यू खूब चला है भाई, बर्गर चले गए, पिज्जा चले गए और चलने लगे हैं बारबेक्यूज, जो आजकल यंगस्टर्स को बहुत ही पसंद होते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि बारबेक्यू में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है, और जैसे कि यहाँ पर हमने लिया पाइनएप्पल कॉर्न यानी कि एक फ्रूट और एक सीरियल, इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस भी मिल जाते हैं और जो डिश बनती है वो बिल्कुल चटपटी सी बनती है जो यंगस्टर्स को खूब लुभाती है। आइए फिर जानते हैं कि कॉर्न पाइनएप्पल या फिर पाइनएप्पल कॉर्न बारबेक्यू बनाने के लिए हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। पाइनएप्पल कॉर्न बारबेक्यू बनाने के लिए हमें चाहिए पाइनएप्पल 1 कप, कॉर्न 1 कप, पनीर 4 क्यूब्स और अन्य रूटीन मसाले। देखा कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगा उनके लिए अच्छा सा बारबेक्यू। आइए फिर शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, गैस ऑन करेंगे और बिल्कुल स्लो आंच पर हमने खाना पकाना है ये वाला मसाला। याद रहे कि जब भी हम कोई मसाला प्रिपेयर करते हैं तो हमेशा स्लो हीट ही रहनी चाहिए ताकि मसाला जल ना जाए। सबसे पहले हम ऐड करेंगे जीरू पाउडर 1 टीस्पून। जीरू को अच्छे से मिक्स कर लेना है।
यानी कि हीट के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इस प्रकार प्रिपरेशन करनी है। इस प्रकार के प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि पैन जब तक गर्म नहीं हो जाता पूरी तरह, तब तक आप जीरा ऐड नहीं करेंगे। जीरा एक इस प्रकार का इंग्रेडिएंट है ना कि जिसकी जो अरोमा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और जैसे आप कुक करते हैं इस प्रकार इसकी अरोमा चेंज होती जाती है। अगर आप इसको ऑयल के साथ ऐड करते हैं तो अरोमा कुछ और होती है, अकेला जीरा जब ऐड करते हैं तब इसकी अरोमा कुछ और होती है, और जब खाना बन जाए तब ऐड करते हैं तब भी इसकी अरोमा कुछ और होती है, और अगर आप इसको हाफ ब्लेंड करके ऐड करें यानी कि जब कुक होता है तब आधा ही कुक होने दे तब भी इसकी अरोमा कुछ और होती है। तो जब भी हम जीरा ऐड करते हैं तो इसकी अरोमा का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इसका यही इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये जल ना जाए, तो अच्छे से पहले पैन गर्म हो जाए के बाद ही ऐड कर लेना है ताकि वो हीट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी कि हीट के साथ वो अपना जो पैरिंग है ना वो बना पाए, अच्छे से कंपेनियनशिप बना ले। अच्छे से कुक होने देना है, इसलिए हल्के हल्के से इसको हिलाते रहना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जल न जाए, इसलिए आप स्लो हीट पर ही रखें और हिलाते रहें। बस तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक ही ये प्रोसेस करनी है। अब ऐड करना है कोरिएंडर पाउडर, वो भी 1 टीस्पून। फिर से यही प्रोसेस लेकिन सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए। अब ऐड करेंगे चिली पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ही लेंगे। अब ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी। अब हल्दी को तो अच्छे से ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका जो कलर है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो कलर तो जैसे ही हम हल्दी ऐड करते हैं वो मिल ही जाता है। अब हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ओरिगानो 1/2 टीस्पून। आप थोड़ा सा इसको हिलाते रहना है, बस तकरीबन 15 से 20 सेकंड्स तक। मसाला तैयार है। अब हम कॉर्न को बॉईल कर लेंगे। तकरीबन हमने 1 कप लिए हैं, इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। इसमें सॉल्ट ऐड कर लेना है, और ये जो मसाला हमने प्रिपेयर किया है उसमें भी हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। दोनों में बस पिंच ही डालने हैं, और मसाले में एक बात ये भी जरूरी है कि आप सॉल्ट तभी डालें जब आपने गैस ऑफ कर दिया हो, ताकि मसाले के साथ सिर्फ उसको मिक्स ही होना है, यहाँ पर उसको कुक नहीं करना है। कॉर्न बॉईल होके तैयार है। अब हम पाइनएप्पल को चॉप कर लेंगे, स्लाइसेस में चॉप करना है। पनीर को भी जैसे हमने पाइनएप्पल की पतली पतली स्लाइसेस बनाई है, चॉप की है, इस प्रकार हम पनीर के भी बिल्कुल पतली पतली सी स्लाइस बनाएंगे और इसी तरह चॉप करने हैं, टुकड़े टुकड़े नहीं करने हैं। अब हम पाइनएप्पल और पनीर को मैरिनेट करेंगे, यानी कि जो मसाला हमने तैयार किया है वो उस पर स्प्रिंकल करेंगे, और थोड़ी देर के लिए यानी कि तकरीबन 10 मिनट्स तक इसको रेस्ट देंगे, ताकि जो मसाला हमने स्प्रिंकल किया है वो अच्छे से इसमें अब्सॉर्ब हो जाए। पाइनएप्पल और पनीर मैरिनेट होके तैयार है। अब हम असेंबलिंग की तैयारी करेंगे। असेंबलिंग करने के लिए हमें चाहिए बारबेक्यू की स्टिक। स्टिक भी है तैयार। अब हम असेंबल करेंगे, तो सबसे पहले हम पाइनएप्पल स्लाइस लेंगे, इस पर हम कॉर्न रखेंगे। अब पनीर स्लाइस लेंगे। अब असेंबल हो चुका है तो सर्व करेंगे, यानी कि पैक करने की प्रिपरेशन करेंगे।
गार्निशिंग के लिए एक बार फिर से हम वही मसाला स्प्रिंकल करेंगे और पाइनएप्पल कॉर्न बारबेक्यू है तैयार। इसको पैक करना भी बिल्कुल है आसान और ये अगर ठंडा हो गर्म हो इससे कोई फर्क ही पड़ने वाला नहीं है। तो जब हम इसको पिकनिक के लिए ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि पाइनएप्पल के लिए तो ठंडा गर्म होना जरूरी नहीं है ना, ना ही यहाँ पनीर के लिए है क्योंकि दोनों को हमने कर दिया है मैरिनेट, तो खराब होने के चांसेस भी नहीं है। जब तक आप पिकनिक पहुंच जाएंगे खाना खाएंगे तब तक ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है। तो यंगस्टर्स के लिए तैयार है एक चटपटी सी डिश और यहाँ तो सब कुछ हेल्दी है, फ्रूट मिल गया, पनीर मिल गया और सीरियल भी मिल गया यानी कि डेयरी प्रोडक्ट मिल गया पनीर के नाम पर। यहाँ पर भी वही बात है जरूरी कि अगर यंगस्टर्स चाहें तो बारबेक्यू को असेंबल पिकनिक पर जाके भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक आर्ट होती है, आप चाहे तो अपने दोस्तों को दिखा भी सकते हैं। चलो भाई मैं आपके लिए एक बारबेक्यू तैयार करती हूँ। इस प्रकार सब कुछ असेंबल कर दीजिए और मसाला साथ में ही रखिए, जितना चाहे उतना स्प्रिंकल कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं भाई दोस्तों जरा मेरा जलवा भी देख लो और देखिए मैं भी एक्सपर्ट हूँ खाना बनाने में। तो आप पिकनिक पर जाना जरूर, मजे करना जरूर, इस प्रकार डिशेस प्रिपेयर करना जरूर और बस धमाल कीजिए, बने रहे रेडियो उड़ान के साथ। अब रेडियो उड़ान आपके साथ है तो फिर फिक्र की क्या बात है भाई। अरे चलिए फिर एक टिप भी आपको बता देती हूँ कि जो बारबेक्यू बनाने के लिए हमने मसाला तैयार किया था वो मसाला आप और भी कोई चीज बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी हो जैसे कि पूरी बनाई है तो उस पर भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपने बर्गर बनाया है लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा ही इंडियन टच देना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ये मसाला आपके काम जरूर आएगा। और हाँ बहुत ही जरूरी बात है कि ये मसाले को आप स्टोर भी कर सकते हैं, तकरीबन 10 से 15 डेज के लिए ये मसाला फ्रेश ही फ्रेश रहेगा, तो ये भी है ना एक मजेदार बात। अगर आप हमारे किचन में आएंगे तो एक फर्ट तो जरूर बन ही जाएंगे, इसके अलावा आप क्रिएटिव भी बनेंगे कुकिंग में। यही तो है हमारा मकसद कि आप कुकिंग में क्रिएटिव बने, एक फर्ट बने और खुद भी खाएं और को भी खिलाएं और बस जिंदगी को कह दो लाइफ है ब्यूटीफुल, खाते रहो मजे करते रहो और सारी चीजों का जो टेंशन होता है ना उसको कहो भाई बाय 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 बाय। आप लेकिन मेरा समय हो चुका है आपको वही कहने का बाय 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 क्योंकि आपको अगले हफ्ते मिलना जो है इसलिए मुझे भी तो कुछ कुछ खाना पकाना होगा नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊंगी फिर ये सफर आगे जाएगी कैसे। ये सफर आगे जरूर जाएगी क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। आप इस सफर को मान लीजिए कि ब्रेक ही मिल गया है और स्टेशन मिल चुका है तो अगले हफ्ते जब तक मैं आपको मिलूं तब तक आप ये सारी रेसिपीज ट्राई करते रहें, पिकनिक पर जाते रहें और एंजॉय करते रहिए, लेकिन मुझे जरूर याद रखना है क्योंकि वहाँ आप रेडियो उड़ान भी सुनते रहेंगे। चलो फिर सुनते रहिए रेडियो उड़ान और अगर आपको इस कार्यक्रम के विषय में कुछ भी कहना है तो फीडबैक देने के लिए तो है ही अनुमति। आप हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए जो कि है www.radioudaan.com radioudaan.com वहाँ पर सबमिट द फीडबैक लिंक पर क्लिक कीजिए और फिर दे दीजिए मुझे फीडबैक आपको कैसा लगा। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करने के लिए आप अपने फेसबुक के सर्च बॉक्स में लिखे www.facebook.com/radioudaan सर्च करके लाइक कर दीजिए और वहाँ पर भी कमेंट करके आप हमें जरूर बता सकते हैं। जब भी आपका मन चाहे आप हमें इंस्टेंट मैसेज कर दीजिए स्काइप पर, हमारा स्काइप आईडी है
रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। अगर आप हमसे कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं या आप अपनी कोई क्रिएटिव रेसिपी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है mail@radiouran.com mail@radiouda.com। आप रिद्धि को दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे फूडी, स्टे हेल्थी, स्टे ब्यूटीफुल, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, सो स्टे हैप्पी फॉरएवर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, दिस इज रिद्धि सनिंग आउट फ्रॉम रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ किचन एक्सप्रेस। Nowadays, most of the social issues are turning anti-social. Because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Me, Bala Nagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Udaan on every Thursday to 9 p.m., which will be rewebcast on every Friday 3 to 4 p.m. Postmortem Enlightenment begins here. Namaskar, Silver Linings se Preeti Monga bol rahi hu. हम लोग डिसेबल लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना सीवी या बायोडाटा इन इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें और हमारा फोन नंबर है 0987170146। धन्यवाद। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम में भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। मैं दीपेंद्र मनोजा आपको बता रहा हूँ स्मार्ट केन के बारे में। स्मार्ट केन वो डिवाइस है केन के ऊपर लगने वाला, जिसकी मेन पर्पज है सेफ मोबिलिटी देना, घुटनों के ऊपर का जो ऑब्स्टिकल्स है उनको डिटेक्ट करना इसका मेन मकसद है। व्हाइट केन हम लोग जैसे नॉर्मल यूज करते हैं उसका बिल्कुल नॉर्मल यूज वैसे का वैसा ही करना है, लेकिन स्मार्ट केन उसके ऊपर सिर्फ ये चीज ऐड करता है कि घुटनों से सर तक के अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपको हर्ट ना करें। उदाहरण के तौर पे रास्ते में अगर कोई ट्रक खड़ा है या फिर सड़क पे अगर कोई जानवर खड़ा है, इस तरह की ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करना 3 मीटर के डिस्टेंस से इस स्मार्ट केन से पॉसिबल हो जाता है। दूसरा इसके कुछ यूज है बिना टच किए ऑप्टिकल का पता लगना, ये हमारी स्मार्ट केन की वाइब्रेशन के पैटर्न से ही हमें पता लग जाए कि हमारे लेफ्ट या राइट या आमने सामने कितनी दूर तक कोई व्यक्ति या कोई भी चीज है कि नहीं। इसी तरीके से लाइन क्यू को फॉलो करना, इसी तरह की चीज़ों में विद डिग्निटी चल पाना स्मार्ट केन के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। और इसके चीज़ों को समझ लें अगर हम इसके वाइब्रेशन पैटर्न समय क्या बता रहे हैं, तो इतना अगर हम पेशेंटली अगर इसको सीख लें तो ये बड़े काम की चीज़ है जो
हमारी सेफ्टी और इंडिपेंडेंस और विद स्पीड मोबिलिटी को एनहांस कर देंगे। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए। नहीं, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए। नहीं, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ।